देखो मेरे दो रसगुल्ले हैं, इनके दो खस्ते हैं, उनका एक रसगुल्ला एक रबड़ी। भाई साहब हमारी रामनगरी तो हो गई है राम में। मेरे 100 रुपए चले गए। जय श्री राम भाइयों। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जय श्री राम के नाम से, और आज है 22 जनवरी, और 500 वर्षों की तपस्या के बाद आज अयोध्या में हमारे भगवान राम जी विराजमान हो चुके हैं। तो आप सभी देशवासियों को उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज का ब्लॉग बनाने का मकसद मेरा ये है कि आज आपको हम अपनी रामनगर की नगरी दिखाने वाले हैं, कैसे किस प्रकार से हमारी, मतलब पूरा विश्व हुआ है इस समय तो राम में, बट हमारा जो रामनगर राम में हुआ है ना, वो आज आपको दिखा रहे हैं। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं, मौसम तो थोड़ा देखिए बंदी चल रहा है, थोड़ा वो हो रहा है। मन्नू भाई का फ़ोन आया कि चल रहे हैं रामनगर, तो चलिए हमने क्या आप लोगों को भी दिखाया जाए कि हमारी रामनगरी कैसे राम में हो चुकी है। और वैसे भी हमारा रामनगर तो एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, क्योंकि हमारे रामनगर का नाम ही राम के नाम से शुरू होता है। तो भाइयों तो चलिए चलते हैं और आपको आज अपने रामनगर में राम की नगरी दिखाते हैं, किस प्रकार से राम में हुई हुई है। और आप सभी को फिर से भैया भगवान राम को अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ में हैं हमारे मन्नू राणा जी। जय श्री राम मिलिए। और देखिए एक आध और हमें राम के भक्त भी हमें रामनगर में मिलने वाले हैं, तो चलिए आज आपको अपने रामनगर की राम में भक्ति दिखाते हैं। हम तो राम जी के भक्त हैं ही, अब हमें राम जी के थोड़े बड़े भक्त मिल गए हैं। हनुमान हनुमान जी मिल गए। देखिए साइज के हिसाब से भी होते हैं ना भक्त, थोड़ा हम तो भक्त हैं ही, हम अब हमसे बड़े वाले भक्त हमें मिल गए। और पुनीत भैया आज देखिए फिर 500 वर्षों की तपस्या के बाद हमारे भगवान अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे कुछ? मैं यही कहना चाहूँगा कि वो लोग हैं जो इस पल के साक्षी बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट समझे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, कि वो इस पल के गवाह बन रहे हैं, इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं। क्योंकि आपने पता नहीं लोगों की सदियां लग चुकी हैं इस तपस्या में, इस संघर्ष में, इस पल को पाने के लिए। पीढ़ियां आज जा चुकी हैं, हम देखो हम कितने वो हैं, क्या कहते हैं उसे, भाग्यशाली हैं, काफी भाग्यशाली हैं कि इस पल के गवाह बन रहे हैं। और ये पल बहुत नॉर्मल नहीं जाना चाहिए। नहीं, नॉर्मल तो मतलब ही नहीं होता। पुनीत भाई मैं सुबह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं अयोध्या में नहीं हूँ। जब से मैंने उस मूर्ति के दर्शन किए ना, तो मुझे खुद को लगा कि साक्षात मैं उस प्राण प्रतिष्ठा में बैठा हूँ और खुद दर्शन कर रहा हूँ। यकीन मानिए मेरे पूरे बदन पर कांटे उभर रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। और तो माहौल ही ऐसा बना हुआ है, इतनी है बट गर्मी भी बनी हुई है, अरे फुल गर्मी कर दी है। और भाई साहब हमारी रामनगरी तो हो गई है राम में, और अभी मैं आ चुका हूँ अपने काशीपुर बस अड्डे पर, रामनगर में काशीपुर बस अड्डे पर। और यहाँ पर हो रहा है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है देखिए। और यहाँ पे एक राम मंदिर का छोटा मॉडल बनाया गया, वो आपको दिखाएंगे, अभी मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं है, उसे फूलों वगैरह से सजाया जाएगा, तो उसके बाद आपको दिखाएंगे। और ये है पुरानी तहसील, है पुरानी तहसील में देखिए ये कार्यक्रम है यहाँ पे रात को, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, कोई बड़े सिंगर आ रहे हैं यहाँ पे रामनगर में। और आपको सबसे पहले राम मॉडल दिखाया जाता है, फिर राम मॉडल दिखाते हैं, राम मंदिर का मॉडल दिखाया जाता है, ये देखिए वाह। तो देख लो भैया, जो अयोध्या नहीं जा सकते वो यहाँ राम मंदिर का मॉडल दे सकते हैं, ये भी हमारे लिए राम मंदिर से, अयोध्या वाले राम मंदिर से कम नहीं है। जय हो श्री राम, जय श्री राम। और अभी आपको मंच के पास जाके दिखाते हैं कि इतना तगड़ा मंच लगा है यहाँ पर। और यहाँ जो गायक आया है, मैंने फेसबुक पर देखा तो था बट मुझे नाम कन्फर्म नहीं है, नाम तो काफ़ी अच्छा है, हुआ है, फेमस है वो। और देखिए कितना बड़ा मंच लगाया गया है भाई साहब, मंच देखिए ना कितना ज़बरदस्त मंच लगा है, और मज़ा बहुत आने वाला है, मुझे यही पता नहीं गायक कौन है पहले। ये देखिए यहाँ पर मंच, देखिए यहाँ पर कितना तगड़ा मंच लगा। रामनगर काशीपुर प्राइवेट बस अड्डे के सामने जो पुरानी तहसील थी जहाँ लगी थी, वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा, रात का कार्यक्रम है, रात को भी हम देखने आएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा देखिए तरीके से सजाया जा रहा है पूरा,
और यहाँ की हाईलाइट तो भाई साहब मैंने आपको दिखा दिया है, जो राम मंदिर का मॉडल लगाया गया है, अभी हो सकता है उसमें लाइटिंग वगैरह की जाए और फूलों से उसको सजाया जाएगा, तो उसके बाद तो भैया फिर और भी मज़ा आने वाला है। और इसकी और इसका मैं आपको फ्रंट का गेट दिखाऊंगा ना भाई साहब, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने रामनगर में नहीं अयोध्या में घूम रहे हैं। ये देखिए इसका गेट दिखाया जाता है आपको, जय श्री राम। मतलब कि यूनिक तरीके से सजाया जा रहा है, ये ऐसी सजावट तो शायद मैंने नहीं देखी है, बहुत बढ़िया सजावट हो रही है। ये कहाँ से हैं आप लोग, लोकल से हैं कि बाहर से हैं? ये देखिए काशीपुर से आए हैं, ये देखिए गेट सजाने के लिए, यहाँ पे सजाने के लिए काशीपुर से आए हुए हैं लोग। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ एक कार्यक्रम यहाँ चल रहा है रामनगर में, एक कार्यक्रम नहीं चल रहा है रामनगर के, जितने भी मंदिर हैं हर मंदिरों में एक बड़े से बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे रामनगर में जो छोई में हनुमान धाम है वहाँ ये लगा दिए, बहुत ही फेमस भजन गायक लखवीर सिंह लखा आए हैं दो दिन के लिए, कल उनका कार्यक्रम था, मन्नू भाई ने वो कार्यक्रम देखा है और पुनीत भाई भी गए थे, मैं इसी कारण से नहीं जा पाया था, थोड़ा लेट हो गया था मैं। और यहाँ पर भी देखिए कोई बड़े सिंगर आ रहे हैं, यहाँ पर पता है कौन से सिंगर आ रहे हैं, नाम लिखा हुआ है बोर्ड का, कोई बहुत बड़े सिंगर आ रहे हैं, वो शाम को आएंगे, उनको सुनने जरूर आएंगे हम भैया। आओ तो भैया जी अभी जो ये मस्ती कर रही है, हम थे अभी रामनगर की छोटी गली में और देखिए हमारे भी टैग लग चुका है, राम 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 सीता राम, पुनीत भाई के भी टैग लग चुका है, मन्नू भाई के टैग नहीं लगा है, कोई बात नहीं, वैसे भी राम भक्ति है वो मन्नू भाई तो हमारे, वैसे पहले से राम भक्त हैं। और इन दोनों के साथ कल इंसिडेंट हुआ था, थोड़ा वो भी शेयर करो भाई पुनीत भाई, क्या हुआ था जब तुम्हारे 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए? अच्छा क्या हुआ था तो मैं भाई तुम बताओ यार, जो 100 रुपये कल तुम्हारे खर्च हो गए जबरदस्ती के, मैं बता दूं अपनी जवानी, चलो चलो तुम बता दो, क्योंकि पैसा इनका खर्च हुआ नहीं यही बताएंगे, चलो ये बता देंगे। देखो हुआ यूं के हम वहाँ से लखबीर सिंह लखा जी का कॉन्सर्ट देख के आए हनुमान धाम में, छोई रामनगर से 6-7 किलोमीटर, हमें लग गई भूख शाम को 8 बजे, 8 बजे तो हम एक टिक्की वाली शॉप में गए, चाट की शॉप में, तो हमने वहाँ टिक्की खाई जिसमें मेरे 100 रुपये खर्च हुए। अरे वेरी गुड, जैसे पीछे वाली गली में देखा वहाँ चल रहा था विशाल भंडारा, हुआ की मैं क्या बोलूं, मेरे 100 रुपये मेरे 100 रुपये चले गए। ये देखिए इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, ऊपर वो कुछ नहीं है यार, खाली देख के आएंगे क्या भाई लोगों, 100 रुपये चले गए मेरे, भंडारा होते हुए भी मैंने टिक्की खिला दी 100 रुपये की, इनका मोए मोए हो गया, मोए 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 हो गया पुन्नी भाई का हमारे, और जबकि मैंने भंडारा ऐप भी डाउनलोड कर रखा फोन में, उसने भी मेरे को डिटेल्स नहीं भेजी। मतलब पुनीत भाई की अगर गूगल की हिस्ट्री में चेक कर रहा हूँ तो इन्होंने गूगल में डाल रखा है नियर बाय भंडारा, और रामनगर में ये लगा ली जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, लेकिन पुनीत भाई ने सारे वही डाल रखे हैं, हमने गूगल में जो हिस्ट्री चेक कर रखी है भंडारा नियर बाय, और मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप मतलब बना दिया है, और राम की तो है ही खुशी राम भगवान के आने की, और उससे ज़्यादा खुशी ने प्रसाद खाने की है, प्रसाद खाने की है ये। और ब्लॉग बनाते बनाते लग गई हमें थोड़ी सी भूख, क्योंकि मैं तो घर से लंच करके आया था, बट मन्नू भाई ने लंच नहीं किया था, तो मन्नू भाई ने हमें रोका है शंकर मिष्ठान भंडार, देखिए रामनगर में बैंक ऑफ बड़ौदा के बराबर में, और पुनीत भाई ने हमें यहाँ पे एक स्लोगन दिया है, इन्होंने कहा है, इन्होंने अपने बिल और पर्स हमारे लिए दोनों खोल दिए और कहा है जो खाना खा लो, एक ही जगह लगाओ है मन्नू भाई, लोग भी खा रहे हो क्या? अरे मैं खस्ते नहीं, हमें तो रसगुल्ले खिलाओ, मैं है पुन्नी भाई रसगुल्ला रबड़ी, टाइम आपने दिल और पर्स दोनों खोल दिए हमारे लिए, रसगुल्ला ना 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 खाली खाली रसगुल्ले रबड़ी नहीं, वो ज़्यादा मीठा हो जाता है। अगर हमारा ब्लॉग हमारे जान पहचान के लोग देख रहे हैं तो जल्दी आ जाओ, पहली बार हमारे पुनीत भाई ने दिल और पर्स खोले हैं हमारे लिए, तुरंत आ जाइए या कमेंट में कमेंट करके ही बता दो, फिर नेक्स्ट पार्टी उन्हीं को दे देंगे। और देखिए एक छोटा सा राम भक्त खड़ा है, जय श्री राम भाई, भाई हमारा रामनगर तो बिल्कुल राममय हो चुका है अभी, बिल्कुल इतना तो अयोध्या में नहीं लग रहा जितना जितना आलीशान हमारे रामनगर को सजा दिया गया है ना।
उसी प्रकार से अयोध्या को भी सजाया गया, बहुत मज़ा आ रहा है अभी। और वैसे भी हमारे मेरे लिए राम भगवान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने बोलना और जो थोड़ी बहुत एक्टिंग सिखाई है वो भगवान राम जी की बदौलत है। भगवान वो कैसे बताओ पुन्नी भाई, हाँ देखिए थोड़ा रामलीला रामलीला वगैरह की है ना, तो अब मेरे भगवान राम जी की बदौलत ही है जो कैमरे के सामने बोलना थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेते हैं, इसलिए मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे भगवान श्री राम। वो तो सभी के लिए है लेकिन मेरे लिए ज़्यादा है। हाँ दो और ये ये बहुत ही फेमस यहाँ का तो यार खस्ता कचौड़ा, तो वो हेल्थ कॉन्शियस हो फिर ये क्या खा रहे हो तुम? कभी कभी चलता है, आज को मेरे चीट मिल चल रही है। अच्छा चीट मिल चल रही है, ये बेटा ये है हमारा आइटम भैया, क्योंकि हम मीठे के दीवाने हैं। अच्छा और तुम्हारी क्या चल रही है? तो गाइस इन दोनों में से कैलोरी किसमें ज़्यादा होंगे ये बताओ भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार, इसमें ज़्यादा है मीठे में ज़्यादा होंगी यार, किसने कह दिया मीठे में कहाँ से ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होती हैं। देखो मेरे दो रसगुल्ले हैं, इनके दो खस्ते हैं, उनका एक रसगुल्ला एक रबड़ी है, तो आप बता सकते हो किसमें ज़्यादा कैलोरी है? मन्नू भाई ज़्यादा कैलोरी खा रहा है, अगर आप जिम कॉन्शियस हैं तो बता सकते हैं कौन ज़्यादा कैलोरी खा रहा है। हम तो बस नमक में ज़्यादा कैलोरी होती है या मीठे में, कमेंट करके बताओ। देखिए रामनगर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यहाँ का जो हाईलाइट है ना, राम मंदिर का जो मॉडल बनाया गया है, सभी लोग आकर उसके पास जाकर सेल्फी ज़रूर ले रहे हैं, क्योंकि वो बना ही इतना बढ़िया बना है। और वहाँ के ये जिन्होंने बनाया है वो मुरादाबाद के कलाकार हैं, उन्होंने आकर हमसे अभी रिव्यू भी लिया है, हम सब ने अपना रिव्यू भी दिया है वो किस प्रकार से बनाया है कैसा बनाया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, जब उस समय हम आए थे उसमें लाइटिंग नहीं जली थी, उसमें फूल नहीं लगाए थे, अब बट इसमें अब लाइटिंग भी जल गई है, फूल भी लग गए हैं और उसके अंदर मूर्ति भी स्थापित कर दी है, तो अब देखिए आप वो लग कैसा रहा। देखिए बिल्कुल मूर्ति और लाइटिंग वगैरह लग के अब आ रहा है बहुत बढ़िया मंदिर। और अब देखिए वहाँ कार्यक्रम की भी तैयारियाँ काफ़ी तेज़ी से चलती हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई है, आओ थोड़ा कार्यक्रम की झलक दिखाते हैं, वहाँ देखो देखिए कितनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई हैं वहाँ पर,